उदाहरण 9, कुछ विद्यार्थियों ने पिकनिक में जाने की योजना बनाई। उन्होंने भोजन पर व्यय के लिए 500 रुपये इकट्ठे किए, लेकिन उनमें से 5 विद्यार्थी पिकनिक में नहीं जा पाए, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी को भोजन पर व्यय के लिए 5 रुपये अधिक देने पड़े। बताइए कि पिकनिक पर कितने विद्यार्थी गए। हल, माना कि पिकनिक की योजना वाले विद्यार्थियों की संख्या 1x है। चूंकि 1x विद्यार्थियों द्वारा भोजन व्यय हेतु दी गई राशि बराबर 500 रुपये इसीलिए एक विद्यार्थी द्वारा भोजन व्यय हेतु दी गई राशि बराबर 500 बटा x रुपए। हमने देखा था कि x विद्यार्थी द्वारा भोजन व्यय हेतु दी गई राशि बराबर 500 रुपए है, तो एक विद्यार्थी द्वारा भोजन व्यय हेतु दी गई राशि के लिए हम x का पक्षांतर करेंगे, तो ये 500 बटा x रुपए होगा। परंतु 5 विद्यार्थियों ने की संख्या 5 हो गई है, तब पिकनिक में जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या पहले हमारे पास विद्यार्थियों की संख्या x थी और 5 विद्यार्थी अब कम हो गए हैं, तो अब कुल विद्यार्थी होंगे x ऋण 5। अब x ऋण 5 विद्यार्थियों द्वारा भोजन पर
वह हेतु दी गई राशि बराबर 500 बटा एक्स ऋण 5 रुपये। प्रश्न के अनुसार 5 विद्यार्थियों के पिकनिक में नहीं जाने से प्रत्येक विद्यार्थी को भोजन व्यय के लिए 5 रुपये अधिक देने पड़े, इसीलिए 500 बटा एक्स ऋण 5 ऋण 500 बटा एक्स बराबर 5। इस स्थिति में 5 रुपये अधिक देने पड़े 500 बटा एक्स ऋण 5 में, और 500 बटा एक्स में इनको 5 रुपये कम लग रहे थे, दोनों की राशि का अंतर 5 है। या जब हम इसका लघुत्तम निकालेंगे एक्स ऋण 5 और एक्स का हर का, तो ये लघुत्तम आएगा एक्स एक्स ऋण 5, और लघुत्तम निकाल के जब इसको भाग देंगे तो एक्स ऋण 5 कट जाएगा और एक्स को हम 500 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 500 एक्स ऋण। इसको जब हम एक्स एक्स ऋण 5 को एक्स से भाग देंगे तो एक्स और एक्स कट जाएगा, एक्स ऋण 5 बचेगा जो कि 500 से गुणा होगा, तो ये 500 और एक्स ऋण 5 बराबर हमें 5 प्राप्त हुआ। या हम 500 का दोनों पदों में से 500 को हम उभयनिष्ठ निकालते हैं तो हमें प्राप्त होगा एक्स ऋण 5 सर्पाकार कोष्टक बटा एक्स एक्स ऋण 5 बराबर 5। आगे देखते हैं, हमने देखा था 500 एक्स ऋण 5 सर्पाकार कोष्टक बटा एक्स एक्स ऋण 5 बराबर 5 था, या 500 कोष्टक में एक्स छोटा कोष्टक को हम खोलेंगे तो ऋण एक्स और धन 5 बटा एक्स एक्स ऋण 5 बराबर 5, या 500 धन एक्स शून्य हुआ तो गुणा 5 बटा इस 5 का पक्षांतर करके नीचे ले आएंगे और तिर्यक गुणा करके इसे ऊपर ले जाएंगे और इसका गुणा कर देंगे तो ये होगा एक्स की घात 2 ऋण 5 एक्स, या 5 अंश और हर से कट जाएगा और हमें प्राप्त होगा एक्स की घात 2 ऋण 5 एक्स, और 500 का पक्षांतर करेंगे तो ऋण 500 बराबर 0, या एक्स की घात 2 ऋण 5 को हम लिखेंगे ऋण 25 एक्स धन 20 एक्स ऋण 500 बराबर 0, या पहले दो पदों में उभयनिष्ठ एक्स निकालेंगे तो कोष्टक में एक्स ऋण 25 और दूसरे अंतिम दो पदों में से उभयनिष्ठ 20 निकालेंगे तो प्राप्त होगा एक्स ऋण 25 बराबर 0, या हम दोनों पदों में से एक्स ऋण 25 को उभयनिष्ठ निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा एक्स धन 20 बराबर 0। या एक्स ऋण 25 बराबर 0, या एक्स धन 20 बराबर 0, या एक्स बराबर 25 का पक्षांतर करने पर हमें धन 25 प्राप्त होगा, या
एक्स बराबर ऋण 20। आगे देखते हैं, चूंकि विद्यार्थियों की संख्या 9 हो सकती, अतः x बराबर 25 होगा। इसीलिए पिकनिक पर जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 5 बराबर, x के स्थान पर हम 25 रखेंगे तो 25 × 5 बराबर 20 होगी, यह इस उदाहरण का हल होगा।